खबर आगरा से, जहां मौर्य सचखंड अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। ऑपरेशन के बाद में मरीज के पेट में छोड़ा सर्जिकल ब्लेड, मालूम पड़ने पर डॉक्टर ने मरीज को भगा दिया। पथरी के ऑपरेशन के लिए ललितपुर से आया था मरीज। मरीज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिया। तो इस मामले में भी जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन आप सोचिए किसी भी मरीज की जान ऐसी लापरवाही से जा सकती है। जो सर्जिकल ब्लेड है उसके पेट में ही छोड़ दिया गया ऑपरेशन के बाद में। सहयोगी शिव चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, अस्पताल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन के दौरान ब्लेड ही मरीज के पेट में छोड़ दिया गया, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, बड़ी लापरवाही डॉक्टर की देखने को मिली है। वर्ष 2016 में ललितपुर से आगरा के एक बड़े सर्जन हैं मौर्य हॉस्पिटल में, एसडी मौर्य और उनके बेटे हैं। उन्होंने डायग्नोसिस की थी कि पथरी का ऑपरेशन आपको कराना है, और उन्होंने डॉक्टर की डायग्नोसिस पे ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके पेट में दर्द हुआ। फिर दोबारा वो यहाँ आए दिखाने के लिए, तो उन्होंने दवाई लिख दी गई, लेकिन दर्द बंद न होने पर वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जब एक्सरा और अल्ट्रासाउंड कराया तो हैरान करने वाली जानकारी मिली कि उसके पेट में डॉक्टर ने सर्जिकल ब्लेड छोड़ दिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब डॉक्टर से संपर्क किया तो अस्पताल में फिर डॉक्टर को ये नागवार गुजरा कि मेरे अलावा किसी डॉक्टर को क्यों दिखाया। और उसके बाद वो न्याय के लिए वर्ष 2016 से और आज तक भटक रहा है। उसने न्याय का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद कल डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं। थाना न्यू आगरा इलाके में ये अस्पताल पड़ता है। बिल्कुल, चलिए शिव, अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।